अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप सबों को पता है कि पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है, सेकंड जो टेस्ट मैच है, वो कल से एडिलेड में स्टार्ट होने जा रहा है। और जिस तरीके से पहली पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, आई थिंक वो अप टू द मार्क नहीं थी। जितनी 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 परफॉर्मेंस हम उनके बारे में सोच रहे थे, वैसी हो नहीं सकी। खैर, एनीवे, पहला टेस्ट मैच का जो रिजल्ट आया वो आप सब लोगों को पता है, लेकिन कल जो टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है वो एडिलेड में होने जा रहा है। एडिलेड की पिच के बारे में आप सबको पता है कि वो थोड़ी सी बैटिंग पिच होती है, सिडनी की बनिस्बत, पर्थ की बनिस्बत आप देखें तो वो बैटिंग बैट्समैनों को बड़ा सपोर्ट करती है। तो मुझे उम्मीद तो ये है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर आप ब्रिस्बेन के टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग देखें तो सेकेंड इनिंग में जिस तरीके से पाकिस्तान ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, अगर हम शान मसूद को देखते हैं, फर्स्ट इनिंग में इतना अच्छा नहीं खेला लेकिन सेकंड इनिंग में पॉजिटिव खेला। बाबर आजम फर्स्ट इनिंग में आउट हुआ, सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा खेला, पॉजिटिव खेला। उसके बाद रिजवान ने भी 95 रन किए सेकंड इनिंग में। देखिए, पॉजिटिव खेलने का मतलब क्या होता है, उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद ये नहीं होता कि बस हमने निकल निकल के छक्के मारने या बहुत ही मतलब खुले शॉट्स खेले। नहीं, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपको जो अच्छा बॉल हो रहा है आप उसको रोकें, आप उस पर रन ना भी बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बैट बॉल है आप बैट बॉल पे आपने पूरा चांस लेना है कि उस पर रन किस तरीके से बनाने हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव क्रिकेट। और उसके बाद अगर आप सेट हो जाते हैं, आप 50 कर लेते हैं या 100 कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने जो क्रिकेट खेलनी है वो और मतलब, यानी आप उन शॉट्स पे चले जाते हैं क्योंकि आप सेट होते हैं। इसको कहते हैं कि पॉजिटिव क्रिकेट, डेड बैट से नहीं खेलना, जहां रन्स बनते हैं उसको रन्स बनाने। तो वो सेकंड इनिंग में नजर आया। अब मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में परफॉर्मेंस दी है, तो मुझे ये उम्मीद है कि नेक्स्ट, ये कल जो मैच स्टार्ट होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान बेहतर और अच्छी इनिंग खेलेगा, अच्छी बैटिंग करेगा। इसमें अगर हम देखते हैं थोड़ी सी, अगर चेंजिंग की अगर हम बात करें, वो ये हो सकती हैं कि आई थिंक इफ्तखार की जगह अगर आप आबिद अली को लेके आए, क्योंकि मैं आबिद अली की इसमें से बात कर रहा हूँ, शान मसूद खेलते हैं तो राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो हो जाएगा। आबिद अली ओपनर आते हैं शान मसूद के साथ, उसके बाद अजहर अली को नीचे आना चाहिए, अजहर अली ऊपर ना जाए, अजहर अली को तीसरे नंबर पर ही खेलना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी बैटिंग लाइनअप शुरू हो जाती है, असद शफीक शुरू होता है, उसके बाद बाबर। अब हारिस सोहेल को ऊपर के नंबर पे, उससे रन नहीं हो रहे, वो अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, आप उसको छठे नंबर पे नीचे ले जाए उसको, क्योंकि हमें उस जैसा प्लेयर चाहिए, क्योंकि वो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज उसके पास ये है, वो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, उससे हमें हमें काफ़ी परफॉर्मेंसेस मिल सकती हैं। उसके बाद वो पार्ट टाइमर थोड़ा सा बॉलिंग भी कर लेता है, अपने बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए बॉलिंग भी वो बुरी नहीं करता। अगर बॉलर्स को रेस्ट देना तो उस आई थिंक उससे अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है, वो आपको विकेट भी एक आध लेके दे सकता है। तो उसके बाद जो है आपके पास आते हैं फास्ट बॉलर। अच्छा, फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, मुझे ये भी थोड़ी सी उम्मीद है कि वकार यूनुस साहब ने जाहिर सी बात उनको समझाया होगा, उनको कुछ ना कुछ टिप्स दी होंगी कि आपने इस कंडीशन के अंदर ऐसी बॉलिंग करनी है। मुझे उम्मीद है कि फास्ट बॉलर्स भी वकार यूनुस को लेट डाउन नहीं करेंगे इस टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो इमरान खान ने इतनी बिल्कुल, यानी इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं की टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि पिच तो बड़ी सूटेबल थी फास्ट बॉलर्स के लिए। आई थिंक उनकी जगह पे मोहम्मद अब्बास को खेलना चाहिए। मोहम्मद अब्बास को पहला टेस्ट मैच क्यों नहीं खिलाया, ये हर कोई यही बात कर रहा है जी कि उसको क्यों नहीं खिलाया पहला टेस्ट मैच। उसके बाद शाहीन अफरीदी आपके पास ऑप्शन है, वो तो खेलेंगे। नसीम शाह की जगह, अगर नसीम शाह की जगह, अगर नसीम शाह को काफ का प्रॉब्लम है, जो सुनने में आया था कि उनको काफ में थोड़ा सा पेन हुआ है, वो नहीं खेलते तो उनकी जगह आई थिंक मूसा खान को चांस देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नए फास्ट बॉलर हैं, अच्छा पेस है, यंग है, 19-20 साल के हैं, इन पिचेस के ऊपर फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि ये पिच थोड़ी बैटिंग पिच है, इस पर हो सकता है जब पुराना बॉल हो रिवर्स स्विंग भी बड़ा अच्छा होगा, उस पर रिवर्स स्विंग पे मूसा खान जो है वो बहुत फायदा दे सकते हैं पाकिस्तान को। हाइट भी छोटी है, लंबे लंबे स्पेल भी कर सकते हैं वो, तो पाकिस्तान को उससे एडवांटेज लेना चाहिए। यासिर शाह की अगर हम बात करें, यासिर शाह को सबको पता है कि जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं अबू धाबी से हट के, बाहर किसी भी कंट्री में खेला है, उसकी जो परफॉर्मेंसेज है उसके लेवल के हिसाब से आई थिंक थोड़ी भी नहीं, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज है, जितना उसका नाम बना हुआ है, तो
तो अब ये लोग कहने लग गए हैं कि जी सिर्फ दुबई के अंदर ही यासिर शाह को खिलाओ या सिर्फ टर्निंग पिचेस पे उसको खिलाओ तो वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं करेगा। यासिर शाह को अगर अपनी रेपुटेशन एक बनानी है, बड़ा नाम बनाना है, तो उसको डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर या न्यूजीलैंड के अंदर या साउथ अफ्रीका के अंदर या इंग्लैंड के अंदर उसको वो परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी जो दुबई के अंदर दे रहा है। क्योंकि उसकी वजह ये है, जब आपके पास स्पिनिंग ट्रैक नहीं होते, जब आप वहां परफॉर्म करते हैं तो फिर माना जाता है वाकई यार आप बहुत बड़े बॉलर हैं। तो मुझे मुझे जो एज अ क्रिकेटर मुझे ये उम्मीद है, मैं ये नहीं कह सकता कि कहता कि पाकिस्तान 100% ये टेस्ट मैच जीतेगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद जरूर है कि जिस तरीके से सेकंड इनिंग में पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया बैटिंग में, उस तरह मुझे उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करेगा। और जो बॉलिंग की मैंने चेंजिंग की बात की है उसमें भी पाकिस्तान मुझे उम्मीद है कि बेहतर बॉलिंग करेगा। क्योंकि 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 जब हमारे फास्ट बॉलर्स को ऐसी पिच मिलती है जो बैटिंग पैराडाइज हो, उसमें फिर हमारे बॉलर्स का रिवर्स स्विंग भी बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि एक प्रैक्टिस हो चुकी है उनको बैटिंग पैराडाइज में कि अगर जितना बॉल आगे करेंगे उसमें फिर बॉल रिवर्स स्विंग भी होता है, उनको फायदा भी होता है। तो ये दो तीन कुछ चीजें थी कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। लेट्स सी, देखते हैं कि कल कैसा परफॉर्म करता है पाकिस्तान। और ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो मिसबाह-उल-हक और वकार यूनुस को लेट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे 100% पता है कि उन्होंने एफर्ट तो बड़ी की होगी कि किस तरीके से ये टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी जाए जो कल से स्टार्ट हो रहा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट्स देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।